पिछले पार्ट में हमने देखा था कि युआन चेन ने सैम को अपनी पावर से बहुत ही बेरहमी के साथ मार दिया था और ये सब देखकर चेन उसे बहुत गुस्सा हो गया था। साथ ही वो तो टेंपर स्पीड के साथ वहाँ से जाने तक लगा था। तो अब इस पार्ट की स्टार्टिंग करने से पहले हर बार की तरह आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग भी उसी सीन के आगे से होती है जहां पिछला पार्ट एंड हुआ था। तो हम देखते हैं कि चेन टेंपर स्पीड का हाथ पकड़ता है और उसे वहां से ले जाने लगता है। अब युआन शेन चेन को जाते हुए देखकर उसे कहती है कि अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन अगर तुम यहां से चले गए तो मैं रियुन को क्रिएशन गॉड लेवल तक पहुंचा दूंगी। अब ये सुनने के बाद चेन उसकी बात पर ज्यादा रिएक्ट ना करते हुए पीछे नहीं मुड़ता, लेकिन वो बस इतना कह देता है कि ये सब तो तुम्हारी मर्जी है। अब इतना कहने के बाद वो वहाँ से उड़कर चला जाता है, साथ ही टेंपल स्पीड भी उसके साथ चली जाती है। अब वैसे चेन को बात ना मानते देख युआन शेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी हम ब्लैक ड्रैगन को देखते हैं जिसने वो सब कुछ देख लिया था जो अभी अभी यहाँ पर हुआ था। अब वो सीधे ही चेन टेंपल स्पीड के आगे जाता है और उनका रास्ता रोक देता है। अब इससे वो दोनों रुक गए थे, साथ ही ब्लैक ड्रैगन अभी बीस्ट फॉर्म से बाहर आ जाता है। अब इस सब के बाद वो चेन से पूछता है कि भाई आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। साथ ही अब ब्लैक ड्रैगन चेन से ये सब भी कहने लगता है कि तुम्हें पता भी है कि तुमने अपने दुश्मन पर दया दिली दिखाने में अपना कितना बड़ा नुकसान कर लिया था। लेकिन अब चेन उसकी बात पर कुछ भी नहीं कह रहा था, यहाँ तक कि वो अपना सर हाँ या ना में तक नहीं हिला रहा था। अब ये चीज देख ब्लैक ड्रैगन को उसे समझना थोड़ा मुश्किल लगता है, तो अब वो टेंपर स्पीड के पास जाता है। इसके बाद वो टेंपर स्पीड से कहता है कि एक बार आप चेन को समझाने की कोशिश कीजिए ना, मुझे यकीन है कि वो आपके बात जरूर सुनेगा। लेकिन अब टेंपर स्पीड भी उसको मना करते हुए कहती है कि मुझे ये तो नहीं पता कि चेन के दिमाग में अभी क्या चल रहा है, पर फिर भी मुझे चेन पर पूरा भरोसा है। अब इसके बाद चेन उन दोनों से ही कहता है कि वो सैम की कल्टिवेशन भी तो डिस्ट्रॉय कर सकती थी, आखिर उसे सैम को मारने की क्या जरूरत थी। और वैसे अगर उसके पास इतनी पावर है कि वो किसी को भी बिना सोचे समझे मार सकती है तो इसका साफ मतलब यही है कि वो ट्रस्ट के लायक ही नहीं है। साथ ही इसका कोई भरोसा नहीं है कि वो कल को हम पर अटैक नहीं करेगी। इसके बाद चेन ब्लैक ड्रैगन से कहता है कि तुम उससे दूर ही रहना, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी दिन तुमको भी सैम की तरह मार दे। लेकिन अभी भी ब्लैक ड्रैगन इस बात पर सहमत नहीं था, इसलिए वो चेन से कहता है कि नहीं तुम गलत कह रहे हो, तुम अभी तक जियानू को जानते भी नहीं हो। पर अब ब्लैक ड्रैगन की बात सुनकर चेन उससे कहता है कि अगर अभी भी तुम उसकी ही तरफदारी कर रहे हो तो मुझे माफ करना, वैसे भी मैं उसे जानना भी नहीं चाहता, तो चलो अब हमारे भी रास्ते अलग अलग हैं। अब इतना कहकर चेन एक बार फिर टेंपर स्पीड के साथ वहाँ से उड़ जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन भी समझ चुका था कि चेन उसे तो नहीं मानने वाला, इसलिए अब वो उन्हें मनाने की कोशिश भी नहीं करता। साथ ही युआन शेन भी नीचे से ये सब देख रही थी और उसका गुस्सा भी और ज्यादा बढ़ता जा चुका था। अब फिर सीन वापस से टेंपर स्पीड और चेन के पास आता है, जहाँ टेंपर स्पीड चेन से पूछ रही थी कि क्या तुम्हें इस बात से रिग्रेट नहीं होता, जिस पर चेन उसे पूछने लगता है कि इस चीज का रिग्रेट। तो इसके बाद टेंपर स्पीड उसे कहती है कि अगर सच में जुआनू ने रियोन को क्रिएशन गॉड लेवल की पावर दे दी तो वो तुमसे ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, और फिर बाद में इससे आखिर दिक्कत तो तुम्हें ही होगी, इसलिए मेरे को लग रहा है कि तुमने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को खो दी है। लेकिन अब इस पर चेन उसे कहता है कि ये कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तुमने देख नहीं होगा कि इस तरह सैम को इतनी बेरहमी से मार दिया, और अगर ऐसा व्यक्ति मुझे क्रिएशन गॉड की पावर भी देता है तो जरूर ही इसके पीछे उसका कोई और इंटेंशन छुपा हुआ होगा, शायद वो ये पावर देकर फ्यूचर में मुझे कंट्रोल करना चाहती हो। वैसे अब चेन की बात से टेंपर स्पीड भी सहमत थी, मगर तभी वो देखती है कि आसमान में एक बहुत बड़ा पोर्टल बन रहा है। साथ ही उन दोनों के कुछ करने से पहले ही वो उन दोनों को अपनी पावर खींच लेता है और इसके बाद वो पोर्टल वही बंद हो जाता है। साथ ही एक बार फिर सीन चेंज होता है और इस बार हम आ जाते हैं के पास। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि बाइगी अभी भी अपनी मस्त कल्टिवेशन कर रहा है, तभी वो कुछ चीज नोटिस करता है और अचानक अपनी कल्टिवेशन को रोककर खड़ा हो जाता है। साथ ही इसके बाद वो खुद से ही कहता है कि अब मेरी बारी है, तो चलो अब मैं भी थोड़ा खेल कूद कर ही लेता हूँ। इसके बाद वो अपना एक फॉर्मेशन रेडी करने लगता है, साथ ही इसे वो फॉर्मेशन एरा कह रहा था। इसके बाद वहाँ भी एक वैसा ही पोर्टल ओपन हो जाता है जैसा चेन टेंपल स्पीड के पास ओपन हुआ था, साथ ही उसके अंदर चला जाता है। अब इसके बाद हम मास्टर लाओजू के पास आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि लाओजू सभी से कह रहे थे कि वो दोनों अब लास्ट स्टेज को भी पार कर चुके हैं, तो प्रॉमिस के हिसाब से जो तुमने लगाया था वो तुम्हें मुझे देना होगा। लेकिन अब सभी गार्ड्स कहने लगते हैं कि वो दोनों 60 फ्लोर पर चले गए हैं, पर रिजल्ट तो हमें अभी तक पता ही नहीं है कि वो जीते भी हैं या नहीं। तो अब इस पर लाओजू कहते हैं कि तुम ये कैसे कह सकते हो, आखिर तुम ही बताओ तो साल हो गए, क्या आज तक कोई वहाँ पहुँचा भी था। लेकिन आज वो लोग इस रिकॉर्ड को तोड़ कर वहाँ पहुँचे में कामयाब हो गए हैं। अब वैसे तो एक गार्ड कुछ कहना चाहता था लेकिन वो रुक जाता है क्योंकि सामने लाओजू थे। अब वो आगे आकर लाओजू को उसने जो प्रॉमिस किया था उसके मुताबिक क्रिस्टल दे देता है, साथ ही बाकी गार्ड भी अपने प्रॉमिस के हिसाब से क्रिस्टल दे देते हैं और फिर उदास हो जाकर वहाँ से चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद लाओजू कहते हैं कि तुम लोगों के लिए मैंने अपनी रेपुटेशन को तक दाव पर लगा दिया, इसलिए अगर तुम जीत गए होते तो अच्छा है। अब इसके बाद वो इन्फॉर्मेशन बनाते,
अब सीन चेंज होकर युआन शेन के पास आता है। हम देखते हैं कि युआन शेन खड़ी हुई थी और तभी सामने लाओ जू की एनर्जी वाली बॉडी आती है। अब युआन शेन उन्हें देख के पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर लाओ जू उसे कहते हैं कि मैंने अपने माइंड से जुआनु के लिए एक मैसेज भेजा है। ये मैसेज चेन के बारे में है, मुझे लगता है कि शायद चेन ने यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दी है जिसकी वजह से जुआनु को थोड़ा बुरा लगा है। अब गाइस ये वही गड़बड़ थी जिसकी वजह से वीडियो लेट हुआ है। यहाँ लाओ जू युआन शेन को जुआनु कहकर पुकार रहे थे, मगर कुछ एपिसोड पहले जब हमने पहली बार युआन शेन को देखा था तब उसने चेन को बताया था कि वो युआन शेन है जिसे जुआनु ने बनाया है, लेकिन अब मास्टर लाओजू उसे जुआनु कह रहे हैं। तो शायद यहाँ पर ये हो सकता है कि शायद जुआनु ने चेन को अभी ये बताया ही नहीं है कि वो जुआनु है, लेकिन हम अभी भी उसे युआन शेन ही कहेंगे। तो अब लाओजू की बात सुनकर युआन शेन उनसे कहती है कि आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर अब लाओजू उसे बताते हैं कि बाइगी सीधा ही अर्थ की तरफ आ रहा है और मेरे हिसाब से उसे सिर्फ चेन ही हरा सकता है, क्योंकि चेन स्पेस गॉड किंग है और स्पेस और टाइम के साथ उसका हाथ बहुत मजबूत है। साथ ही कृष्ण गॉड लेवल के बाद वो बाइगी से भी ज्यादा पर हो जाएगा और उसे इजिली हरा देगा। अब लाओजू की बात सुनकर युआन शेन उसे कहती है कि मैंने चेन को कहा था कि मैं उसे कृष्ण गॉड लेवल तक पहुंचा सकती हूं, लेकिन उसने मेरे ऑफर को मना कर दिया। अब युआन शेन की बात सुनकर लाओजू थोड़ा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि शायद यहां पर कोई गलतफहमी हो गई होगी, मैंने खुद चेन से इस बारे में बात करूंगा और उसे समझाऊंगा। वो इतना कहते ही ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।